क्या हाल चाल दोस्तों, ये है वर्ल्ड के सबसे महंगे ईयरफोन्स। ये एक लग्जरी ब्रांड लुई विटॉन पता नहीं क्या नाम है, बट उनके ईयरफोन्स हैं। ये वर्ल्ड की बहुत कमी कंट्रीज के अंदर मिलते हैं एंड ये एक लग्जरी ईयरफोन है। अब आवाज बढ़िया आती है कि नहीं वो मैं आपको बता। इस प्राइस के अंदर एक आईफोन 15 प्रो मैक्स आ जाएगा, एक बाइक आ सकती है। 1,00,000 रुपए से भी ज्यादा इनका प्राइस है। ऐसा क्या कर दिया इन ईयरफोन्स के अंदर? सोना चांदी च्यवनप्राश खिला दिया था क्या भाई? सारा दूध का दूध पानी का पानी, लेट्स गो। वो सौ का छुट्टा है, ये ले लो। क्या माय पप्पी बेरी, आप भाई लोगों के ले आओ आज दुनिया का सबसे महंगा ईयरफोन्स। ये दुनिया का सबसे महंगा घोड़े का बाल, सबसे महंगा। ये है लूज वुटन का ईयरफोन्स। अरे बाउल क्यों रखा इसमें? जरूरत पड़ेगी ना इतना खर्चा करने के बाद। बॉक्स अगर आप देखो काफी सुंदर और एक ज्वेलरी के बॉक्स की तरह लग रहा है। ऐसा मेरे को फीलिंग आ रही है इसके अंदर से कंगन निकलेंगे, बट बाहर की तरफ से काफी प्यारा सा टेक्सचर, ऊपर ही साइड पे लुई विटॉन लिखा हुआ है, पैकेजिंग पोलैंड में। बट देखो डब्बे में एक चीज अगर आप नोटिस करो, हर जगह कहीं पे भी प्राइस नहीं लिखा। तुमको पता प्राइस से किसको फर्क पड़ना है यार? छोटी चीज, 6 AirPods Pro से थोड़ा सा ज्यादा ही तो प्राइस है। इस डब्बे का कलर गेस करने की कोशिश करो, ऑरेंज रेड ब्राउन, एलवीस को इंपीरियल सैफ्रन। महंगा लगना चाहिए ना? देखो जब ब्रांड अपने खुद के कलर बनाने लग जाए ना, मतलब समझ लो आपकी जेब से हरा कलर जाना। बट भाई बिल्कुल मजाक नहीं, पैकेजिंग काफी प्यारी सी है। ये हमको खत मिला, इसमें ऐप अलग से भाई, एलवी की ऐप आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हो। ओए ये क्या दे रखा है? कपड़े के पाउचेस में अलग अलग से केबल मिल रही है भाई। एस्थेटिक्स के साथ इसको अनबॉक्स करना पड़ेगा। अगर आप नोटिस करोगे हर जगह एलवी लिखा हुआ है। ये जो केबल्स है इनके ऊपर लोगो लगा रखा है, जो अडैप्टर है उसके ऊपर एलवी लिखा हुआ है, इवन जो बटन है केबल का उसके ऊपर भी एलवी लिखा हुआ है। डब्बे पे, कवर पे, इवन क्यूआर कोड पे भी एलवी लिख रखा है। ये हर जगह एलवी एलवी क्यों लिखा है? या वीडियो पूरी देखोगे तो मैं अच्छे से समझाऊं। ये कुछ और निकला, ये कवर टाइप है बट मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा ऐसे खुलेगा, ये थोड़ा थोड़ा डायनेमिक आइलैंड की तरह लग रहा है यार। इसमें ईयरफोन आएंगे बट ईयरफोन है नहीं इसके अंदर। धोखा तो नहीं हो गया है? खाली डब्बा दे दिया क्या भाई? इसमें मेरे को समझ नहीं आई, ऊपर की तरफ से ढका भी नहीं है, कवर कैसे होगा ईयरफोन? भाई अमीर लोग है ना ऐसे यूज करते हैं। तो ये भी खोल लेते हैं। ओ भाई इन पे नहीं लिखा भाई एलवी, अलग अलग कलर में दे रखे हैं भाई। छोटी चीजें वाइट है, बड़ी चीजें ब्लैक है। बता क्यों साइड में? देखो इसमें केस पे अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पे ना सिंबल्स बना रखे हैं, ये एलवी के सिंबल्स हैं के अंदर। और ओ भाई क्या क्या दे रखा है भाई, एनवेलप में कपड़ा दिया है भाई, ये अपने ईयरफोन्स को साफ करने के लिए। और ये है भाई होराइजन लाइट अप, ये पूरी पुस्तक है भाई। बेचने में काम आएगा भाई, भी तो अमीर है। जस्ट रियलाइज ये कुछ टैग दे रखा है भाई। बट फाइनली भाई ये देखो जिप भी कैसे बनाई है, जिप के ऊपर भी भाई यहाँ पे एलवी का लोगो है, यहाँ पे भी एलवी लिखा हुआ है, हर जगह जहाँ लिख सकते थे एलवी हर जगह। भाई ये देखो काफी कूल से लग रहे हैं भाई, चमकने वाले। ये हैं वर्ल्ड के सबसे महंगे ईयरफोन्स। ओह भाई लाइटें जल रही हैं। ओह भाई ये बीच में स्क्रीन है क्या भाई? जादू भाई देखे देख, तगड़ा तो लग रहा है भाई, पूरा सोने के लग रहे हैं यार ये भाई। कुछ तो लग रहा है, महंगा तो लग रहा है हर जगह। यहाँ पे भी लोगो लगा रखे हैं भाई एलवी के, मैं टच कर रहा हूँ तो ये लाइटें भी चल रही, और इसे साइड में भी लुई विटॉन लिख रखा है। इस ईयरफोन का प्राइस है 1,50,000 रुपए। ऐसा क्या है इस ब्रांड में कि 1,50,000 रुपए की ईयरफोन्स बेच पा रहा है? इसको समझने के लिए लुई विटॉन की स्टोरी समझनी पड़ेगी। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं।
एलवी एक लग्जरी ब्रांड है और वर्ल्ड में कुछ ही ऐसे और लग्जरी ब्रांड्स हैं। एलवी बैग से स्टार्ट हुआ था 1854 में और ट्रेन्स में लोग भर भर के बेकार से बैग्स में सामान लेके जाते थे। इन्होंने बहुत ही हाई क्वालिटी के बैग्स क्रिएट करे जो हर बंदा यूज करने लगा ट्रेन्स के अंदर। इनका पहला बैग स्टीमर ट्रंक के नाम से 1858 में आया था और ये ईबे पे अगर आप अभी खरीदने जाओगे तो 20 लाख रुपए का मिलता। हुआ क्या, उस टाइम पे बहुत ही कम ब्रांड्स होते थे जो बहुत ही हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाते थे। तो जब फ्रांस के क्रिंग को भी ट्रैवल करना होता था वो भी एलवी के बैग्स लेके ट्रैवल करता था और ऐसे एकदम ही भाई प्रीमियम सा ब्रांड ये बन गया। और ज्यादातर ब्रांड्स वर्ल्ड वॉर के टाइम पे बंद हो गए थे बट एलवी का धंधा चालू था। इन्होंने वॉर के टाइम पे भी बैग्स बनाए, वॉर्स के लिए बैग बनाए। एलवी के बैग्स की जिप को 5000 से भी ज्यादा बार खोला और बंद करा जाता है मजबूती को टेस्ट करने के लिए। एंड इन सभी बैग्स को हैंडमेड बनाया जाता है, स्विंग मशीन के अलावा और कोई मशीन नहीं यूज करी जाती। ये इतना ज्यादा पॉपुलर है कि हर साल $20 मिलियन खर्च कर जाते हैं फेक एलवी प्रोडक्ट्स को ढूंढने के लिए। एंड 60 से भी ज्यादा लॉयर्स लगे रहते हैं इस काम के ऊपर। ये एक लग्जरी ब्रांड है। अभी भाई एक किडनी फेल हो रही थी बट इनके प्रोडक्ट्स पे कभी सेल नहीं लगती, कभी सस्ते नहीं बेचे जाते। मतलब अगर बिके नहीं तो ये जला देते हैं अपने कपड़े पर सस्ता नहीं करते। इस ब्रांड के महंगा होने की 3 रीजन है कि ये बहुत ही ज्यादा टाइम से चला आ रहा है। दूसरा विशिष्टता, बेसिकली मैं बताता हूँ कि एलवी जो प्रोडक्ट्स बनाता है वो और कोई ब्रांड कॉपी नहीं कर सकता क्योंकि उनको बनाने में बहुत ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करा जाता है। जैसे मैं इस ईयरफोन की अगर बात करूँ तो वर्ल्ड में ऐसा और कोई ईयरफोन नहीं। वर्ल्ड का जो सबसे जाना माना डिजाइनर है वो एलवी का क्रिएटिव डायरेक्टर माना जाता है। ये ऐसे कपड़े बनाते हैं ऐसी टेक्नोलॉजीज का यूज करके जिनको कॉपी करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो काफी सारे ब्रांड्स कॉपी बनाते हैं बट ये सेम क्वालिटी मैच कर पाना पॉसिबल नहीं है। एंड ऑफ कोर्स क्वालिटी, मैंने काफी सारे कपड़े ट्राई कर रखे हैं एलवी के, मेरे पास एक बैग भी है, उनकी क्वालिटी डेफिनेटली बहुत ज्यादा तगड़ी, लाखों रुपए जितनी तगड़ी तो नहीं है बट बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। ये जो विल्यू मैरी मी होता है ना भाई, उसी की जैसी फील आ रही है मेरे को भी। बस आप अपने ईयरफोन सामने रख दो कि भाई एक बार ईयरफोन देख ले तो शादी तो पक्की है। वो इसके बेस के अंदर भी एलवी का लोगो लगा रखा है भाई, कपड़े की भी टेस्टिंग कर लेगा भाई। महंगा तो लग रहा है यार भाई, इसमें टैप करेंगे तो लाइट आती है, यहाँ पे एलवी का लोगो कहीं से खुलता है भाई। ये साइड से पूरा ये गोल्डन कलर में आपको दिख रहा है, नीचे की साइड पे एलवी का ऐसे लोगो लगा रखा है, हर जगह एक मोनोग्राम आपको दिख जाता है और पीछे की साइड पे यूएसबी टाइप सी चार्जिंग का भी पोर्ट है। मुझे लगा एलवी का पोर्ट भी अलग से आया। इस पोर्ट के अंदर बस आप एलवी की प्रीमियम केबल ही लगा पाओगे और जैसे ही आप लगाओगे ना, पैसे की आवाज सुनी थी आपको भाई, पूरा ही एक मेटल का केस है बट जो टॉप है वो ग्लास का है और जो बॉटम है वो पूरा ग्लास का। हाथ में पकड़ने में अच्छे खासे भारी है, समझ लो ये आपकी निक्कर है। इसके अंदर आपने ईयरफोन रखे ऐसे करके, चमकती लाइट दिखेगी बट इसमें होता क्या, नॉर्मल ईयरफोन ऐसे ऐसे आगे पीछे होता रहेगा बट ये वाला ईयरफोन आगे पीछे भाई आप बोल्ड हो जाओगे, फिर अंपायर पूछेगा कि हाउ मेनी बॉल्स लेफ्ट। ये बात तो मेरे को केस देख के समझ में आ गई है, थोड़ा सा ना प्रैक्टिकल कम लग रहा है बट भाई फाइनल टाइम आ गया। ये भाई सोने की ईयरफोन है क्या भाई, पूरा एक गोल्डन कलर में दे रखा है और ऊपर की साइड पे 2 बटन दे रखे हैं एंड यहाँ पे एक लाइट दे रखी है। काफी डिफरेंट सा स्टाइल है। मैं सही बताऊं तो मेरे कान में इस टाइप की ईयरफोन यूजुअली घुसते नहीं है बट मैं एक बार लगा के शायद लग जाए भाई, लग तो रहा सही। ओ भाई ट्रांसपेरेंसी भाई इसके अंदर, मेरे को अपनी आवाज ही अलग सी लग रही, ऐसा लग रहा है मेरी आवाज ही महंगी होकर सुनाई दे रही है मेरे को। क्योंकि होता क्या है कि ट्रांसपेरेंसी मोड होता है ना तो मेरी आवाज रिकॉर्ड होती है माइक्रोफोन से, फिर इसके अंदर जाके मेरे को सुनाई देती है भाई। इसमें एक चीज मैंने नोटिस करी, जैसे अभी आप इसको चलाओगे ना तो खाली एक लाइट आ रही है, इसका मतलब अंदर एक भी ईयरफोन नहीं है, खाली केस चार्ज है। अगर मैं खाली एक ईयरफोन लगाता हूँ, ये देखो अब एक दो लाइट आ रही है, मतलब एक ईयरफोन मिसिंग, 1 2 3 डन। और ये एलवी वाला लो तब जलेगा जब इसको बंद करोगे। ये भाई काफी इंटरैक्टिव सी लाइट है एंड इसमें काफी इंटरेस्टिंग चीज है, ये आपके चार्जिंग पे भी रिएक्ट करती है और आपकी बैटरी भी आपको ये बता देगी भाई, ग्रीन येलो रेड। भाई अब मेरे को समझ में आया ये क्यों था, ये एक एक्स्ट्रा केस है। यहाँ से ईयरफोन निकालो, एक यहाँ लगाओ दूसरा यहाँ लगाओ एंड ये लोगो चमकते रहेंगे भाई। ये तो काफी कूल डिजाइन है, इसको आप पैंट के ऐसे जिप में ऐसे लटका सकते भाई। देखो मजाक की बात साइड, दिखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है एंड जो डिजाइन है, छोटी छोटी चीजों के बारे में सोचा तो है, ऐसा नहीं है जबरदस्ती पर डब्बा भारी बना दिया, थोड़ा डिजाइन एस्थेटिक भी है भाई। एंड भाई इसमें ना वो फील आ रही है, कैसे बताऊं, बताओ ना बताओ, मतलब कुछ वर्ड्स तो बोलो कैसा है। अरे यार महंगी फील आ रही है,
पहन के मेरे को अलग सा लग रहा है यार। मेरे को लग रहा है कि मेरे बैंक में 2 करोड़ रुपए कम हो गए हैं, क्योंकि सब उड़ा दिया ना भाई। कान में पहनने में डेफिनेटली काफी कंफर्टेबल फील हो रहे हैं, एंड मेरे को ऐसा लग नहीं रहा कि मैंने काफी भारी से ईयरफोन्स पहने, एंड दिखने में भी काफी सुंदर सी फील आ रही है, एंड काफी डिफरेंट तो लग रहे हैं दिखने, बट थोड़ा सा ये लग रहा है कि मतलब मैं ऐसे शेक करूंगा तो गिर जाएगा, एंड ईयरफोन थोड़े भारी हो जाते हैं ना, तो ये वाली दिक्कत आ जाती है। एंड ईयरफोन है ना, ऊपर की साइड पे अगर आप नोटिस करोगे, यहाँ पे ऊपर की साइड पे भाई बटन्स लगा रखे हैं वॉल्यूम अप डाउन करने के लिए, एक लाइट लगा रखी है। अब कान पे इसने लगा रखा है, उसको लाइट कैसे दिखेगी मुझे समझ नहीं आया, बट ऊपर की साइड पे एक बटन दे रखा है जो काफी रफ टेक्सचर वाला है, तो अगर आप एक्चुअली देख भी नहीं रहे हो तब भी आपको पता चल जाएगा आप कौन सा बटन दबा रहे हो। एंड राइट साइड वाली ईयरफोन में इस टाइप का एक और बटन है, तो दोनों ईयरफोन्स में दो दो बटन है, जो काफी बड़ी बात है, बट अगर आपके कान छोटे हैं तो हल्का से ऊपर की साइड पे चुपते हैं। हाथ में अगर आप पकड़ोगे तो ईयरफोन भी ये काफी भारी है, क्योंकि पूरा ही मेटल का बना रखा है। तो ये है एयरपॉड्स प्रो और ये है एलवी के 1.5 लाख रुपए के ईयरफोन। हम लोगों से पूछ के आते हैं अगर उनको एक महीने के लिए बस एक ईयरफोन यूज करना तो इन दोनों में से कौन सा यूज करेंगे? एयरपॉड्स एनी टाइम। यार वैसे तो मैं एयरपॉड्स यूज करना चाहूंगा, लेकिन एक महीने के बाद तो मैं एक्सपेरिमेंटल टर्म्स पे लुई वुइटन यूज करूंगा। एयरपॉड्स में ये 1,40,000 का है, सोने की तरह। लुई वुइटन ही है? लुई वुइटन ही है, लुई वुइटन है, एलवी का ही है भाई। भाई ये भाई ये वाला एप्पल के साथ बहुत अच्छा चलता था, इसलिए ये वाला एयरपॉड्स। क्यों? दे लुक नाइस, मतलब मेरे टेस्ट के हिसाब से दे वेरी सिंपल एंड दे लुक नाइस। एयरपॉड्स क्यों? क्योंकि ये मैंने यूज कर रखे हैं, आई नो दे आर नाइस, एंड और ये मैंने देखे थे तो ये अजीब से लग रहे थे मेरे को, ये मेरे को ये पसंद नहीं आता, ऐसे गोल गोल। आई प्रेफर वो एलवी। एलवी यूज करो, ये लेके भेज दो मैं। बेस्ट। बट कपड़ों तक तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट देते हैं, अब ईयरफोन में क्या करा है वो देखना पड़ेगा। बट भाई फाइनली टाइम आ गया इन ईयरफोन्स की टेस्टिंग करने का। ओ अलग लग रहा है मेरे को इन ईयरफोन्स की आवाज भाई, डेफिनेटली बहुत सॉलिड लगी। अगर आप एक चीज नोटिस करो तो एयरपॉड्स के अंदर जो पूरा हेड है ये बहुत छोटा है, इनके अंदर एक बहुत बड़ा हेड, तो इससे होता क्या है कि इसकी वजह से ना जगह ज्यादा मिलती है। तो इन ईयरफोन्स में बेस मेरे को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगा। देखो तीन तरह के ईयरफोन होते हैं, एक होते हैं आप एकदम प्रोफेशनल काम कर रहे हो, एकदम आपको भाई आवाज सुननी है, बढ़िया एडिटिंग वाले हेडफोन्स होते हैं बड़े बड़े, तो उसमें या तो अगर आपको म्यूजिक बनाना है या फिर आपको कुछ प्रोफेशनल काम करना है, एकदम नेचुरल आवाज आपको जैसी रियल लाइफ में आती वैसी आएगी। दूसरे होते हैं भाई धमाका मचाना, कि आपको एकदम ही छन छन शहनाइयां बज रही हैं, ढोलक बज रही है, वो सारा मसाला उसके अंदर ऐड कर दिया जाता है। रियल लाइफ में हो सकता है नॉर्मल सी आवाज, ऐसा लगता है ऑटो ट्यून होके बज रहा, जैसे मतलब क्योंकि सांस भी कभी होती हुई अगर आपने चला लिया एक बार वो क्या डांस स्टेप्स निकलेंगे आपके। पर थर्ड होते हैं बीच का, मतलब हल्का सा नेचुरल फील भी है, हल्का सा मसाला भी। तो एयरपॉड्स आपके आ जाते हैं बीच में, ये है वो मसाले वाली है, सारा मसाला डाल दिया इसके अंदर, बेस ट्रेवल ऐसा कैसा छन छन मारता है कि ऐसा लगता है कि हाँ भाई किसी दूसरी दुनिया का म्यूजिक सुन रहा। बट भाई डेफिनेटली ऑडियो क्वालिटी बहुत प्यारी लगी, बट इन तीनों में ऐसा लगा कि ये छन छन वाली जो आवाजें हैं वो बहुत ज्यादा तेज हैं, और जो बेस है वो बहुत ज्यादा तेज है, थोड़ी थोड़ा मतलब बीच वाली आवाज दबी दबी आती है। इसमें एयरपॉड्स में थोड़ा सा नेचुरल आवाज है। हमने इसका माइक भी ट्राई करा, और जो अभी आप आवाज सुन रहे हो ना मेरी, ये इसी के माइक से निकली आवाज, आपको क्वालिटी सही लग रही होगी, मतलब ऐसा ये वाली आवाज मतलब अच्छी क्वालिटी आ रही है, ऐसा लग रहा थोड़ा सा ऑटो ट्यून करके आपको सुनाई दे रही। मैं सेम आवाज आपको एयरपॉड से भी बताता हूँ। अब जो आवाज सुनाई दे रही है ये एयरपॉड्स की आवाज है। एयरपॉड्स की आवाज में इन दोनों की आवाज में आप जो फर्क सुन पा रहे हो ना, वही एक्चुअली साउंड में भी फर्क है। मेरे को पर्सनली जो एलवी की एयरफोन है इनकी आवाज थोड़ी सी बेटर लगी। भाई मैं सरप्राइज हो चुका हूँ भाई। भाई जो कनेक्टिविटी टेस्ट, अभी गाना प्ले करते हैं, देखते कितनी दूर तक चल रहा। भाई देखो वेंकी पास में ही है, अभी तक तो गाना मस्त चल रहा, आ रही आवाज। दूसरे कमरे में जाऊंगा, यहाँ तक भी आवाज आ रही है भाई। 2 कमरे पार आ गए, अभी भी आवाज आ रही। भाई 4-5 कमरे पार कर गए, अभी आवाज आ रही भाई। अरे भाई क्या आवाज है भाई, मैं समझ लो दूसरे घर में आ गया, मतलब मैं अराउंड अभी भी आ रही भाई आवाज, यहाँ तक भी पूरी आवाज आ रही है, ये मैं ऑलमोस्ट दूसरे घर में आ चुका हूँ भाई। आ रही है यहाँ पे भी आवाज आ रही है, हल्की हल्की कटने लगी, हल्की हल्की वापस आने लगी, वापस आने लगी भाई। अरे थोड़ा सिग्नल बिठाना पड़ेगा, सर आगे पीछे करना तो आवाज आ रही है, आ रही यहाँ पे आ रही है।
हल्की सी कट कट के आ रही है, इस तरफ आऊँगे वो यहाँ आने लगी। भाई देखता हूँ और कितना दूर जा सकता है। हल्की सी आ रही है, अब लेफ्ट वाले में आ रही है, खाली लेफ्ट वाले में कट कट के आ रही है। यहाँ पे भी हल्की कट कट के तो आ रही है, अब नहीं आ रही बिल्कुल। इतनी डिस्टेंस है कि मैं एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग आ चुका हूँ, बट अच्छा खासा दूर तक चल रही है। पाँच छः दीवारें पार करके भी मैं आ रहा हूँ, तब भी आवाज़ आ रही थी भाई, यहाँ पे तो वापस आ रही है। अगर आपको देखो नंबरों में इंटरेस्ट, मैं थोड़ा सा बताता हूँ। इसके अंदर 11 mm के ड्राइवर्स हैं, ब्लूटूथ 5.2 है, 5.3 नहीं है, आ चुका है 5.3। खाली ईयरफोन्स की बैटरी 12 घंटे तक चल जाती है, अगर केस के साथ में लाओगे तो 28 घंटे, एयरपॉड्स की 30 घंटे तक चलती है। देखो ईयरफोन अच्छा है, माइक अच्छा है, बट काफी सारी चीजें अच्छी नहीं है। सबसे पहली चीज, अगर आपको किसी भी नॉर्मल ईयरफोन में कुछ भी चेंज करना है तो या तो आप टैप करते हो, ऐसे स्लाइड करते हो, बट इसमें आपको ना ऐसे ऊपर घुस के ऐसे कान के अंदर उंगली घुसा के ऐसे बटन दबाना पड़ता, तो बहुत इरिटेटिंग हो जाता है क्योंकि आपके कान में भी टक 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 ऐसे आवाज आती रही। अनयूजुअली होता क्या कि बटन दबाते दबाते ना आपका ईयरफोन निकल जाता है, तो मेरे को पर्सनली इतना कन्वीनियंट नहीं लगा है ऊपर की साइड पे बटन वटन लगाना। और देखो बटन लगा भी ऐसे पार्ट पे जहाँ पे मेरे को उंगली घुसाने में बड़ी दिक्कत है, अगर यहाँ पे लगा होता ना तो मेरे को दिक्कत नहीं आती, ना ये कान में चुपता ना कोई दिक्कत होती है, बटन दबा दबा के मैं चेंज कर देता चिक चिक चिक। और उसके साथ साथ अभी लेटेस्ट ईयरफोन में काफी सारे ऐसे फीचर्स हैं जो मैच नहीं कर पा रहा। इसमें एक ट्रांसपेरेंसी मोड है जो काम करता है बट इतना अच्छा नहीं है, ऐसा लगता है कि मेरी आवाज ही ना मतलब ऑटो ट्यून होकर कान में वापस आ रही है, वो डेफिनेटली नेचुरल नहीं लगता। उसके बाद नॉइस कैंसिलेशन भी इतना अच्छा नहीं है, एंड अगर मैं इनको कान में लगा के सुन रहा हूँ तो अगर मैं मेट्रो में लेके जा रहा हूँ तो चार बंदे और सुन रहे हैं। आप बोलोगे वो अमीर लोग का मेट्रो जाते हैं, अंडरस्टैंड। देखो जो आप अपनी बुगाची वेरोन में अगर आप बैठे हो एंड आपकी बीवी आपको गाली दे रही है तो आपका ड्राइवर सुन सकता है, फिर वो कंप्लेन कर सकता है अपनी ड्राइवर कम्युनिटी, उस ड्राइवर कम्युनिटी से आप सबको पता चल जाएगा आपकी बीवी आपको गाली, वो 10 करोड़ का नुकसान, वहां देखा लॉस हो गया, कंपनी का शेयर मार्केट डाउन। जॉक कर रहा था, इन लग्जरी ईयरफोन्स का प्राइस है 1,38,000 रुपीज, और टैक्स टूक्स मिला के या फिर अगर आप किसी और कंट्री में लेते हो तो आपको 1.5 लाख के अराउंड का पड़ जाएगा। मेरे को एज अ टेक प्रोडक्ट इतना कुछ एक्साइटिंग ना, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी में ऐसा कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं है, ना आवाज में बहुत कुछ बेटर है, ना बटन्स या फिर ऐसा कुछ टच कंट्रोल है या फिर कुछ स्पेशल ऑडियो या फिर ऐसा कुछ फीचर डाल रखा हो, ऐसा कुछ भी नहीं। तो मैं आपको दिक्कत बताता हूँ क्योंकि मैं पूरी कपड़ों की कंपनी चलाता हूँ। कपड़ों में क्या होता है कि डिजाइन की कीमत होती है, कि जो एलवी डिजाइन करता है जिससे आपके कपड़े होते हैं वो और कोई ब्रांड नहीं बना पाता, एंड वहां पे डिजाइन की शोबाजी की कीमत है। बट जब आप ईयरफोन की बात करते हो, ईयरफोन में ऐसा है कि जो चीज काम ज्यादा बढ़िया करेगी ना वही ज्यादातर लोग प्रेफर करेंगे, चाहे उसमें ठीक है थोड़ी शोबाजी कम हो। अगर आप टी शर्ट ही ले लो, अगर टी शर्ट वो सही है बहुत कूल दिखती है बट चुपती रहती है तो आपका मन नहीं करे पहन। सेम चीज इसमें भी ठीक है, काफी कूल है दिखने में, अलग सी गोल्डन फिनिश है, लाइटें जलती है, पूरा केस अलग है, पूरी एक्सेसरीज दे रखी है, पर जो बेसिक काम है कि भाई मैं बटन दबा के गाने चेंज कर पाऊँ वो मतलब ये उसको करने में बड़ा दिक्कत आती है, तो इसलिए भाई ये प्रोडक्ट मुझे पर्सनली इतना अच्छा नहीं लगा। और वैसे मैंने इसको खरीदा है बट मेरे को लगता नहीं मैं कभी इसको यूज करूंगा, पर इसकी क्वालिटी मैं बोलूंगा डेफिनेटली अच्छी है। बट मेरे को ऐसा लगता है कि कोई ब्रांड अगर एक प्रोडक्ट बना रहा है तो उस प्रोडक्ट में कुछ ऐसा करना चाहिए जो भाई टेक्नोलॉजी में बहुत तगड़ी चीज, वो इसमें करा नहीं है। मैं आपको एकदम देखो सीधा ब्रेकडाउन देता हूँ, गाने बढ़िया चलते हैं, आवाज बढ़िया आती है, माइक बढ़िया चलता है, और आपको शोबाजी करनी है कहीं पे भी आप निकालोगे कहीं पे भी खोलोगे लोग डेफिनेटली नोटिस करेंगे, पर आपको काफी सारे टेक वाले फीचर्स पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ये उस महंगी जैकेट की तरह है जो पीछे से इसका टैग आपको चुपता रहता बट ये दिखने में कूल है इसलिए आप पहन के घूमते रहते। तो हाँ भाई आई होप आपको वीडियो पसंद आई, अगर आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।